नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कृतुने और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक सक्सेस में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 देखने वाले हैं, जिसमें कि कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया देखिए, एक व्यापारी निश्चित वस्तु को 10% यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% हानि पर तथा 1 किलो के जगह पर 850 ग्राम तौल कर बेचता है। मतलब क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पर वो 850 ग्राम तौलता है, ठीक है, ये समझ में आया। मतलब क्या बोल रहा है, वो हानि पर बेच रहा है, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 10% लेस पे बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 जगह के पर 850 ग्राम ही दे रहा है। तो समझिएगा इसको, सीपी हम कितना माने, सीपी यदि हम 10 रुपए माने, 10 रुपए में कितना, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो 10 रुपए में, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 10 हानि पे बेच रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 10% हानि मतलब 10 का 10% 1 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, और 9 पे कितना बेच रहा है वो, 850 ग्राम। तो अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 8500, और यहां से कितना हो जाएगा, 9000। अब देखिए यहां डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है, यहां पे 500 का डिफरेंस है, मतलब यहां पे एक चीज साफ हो गया कि यहां पर उसको कितना, 500 का लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे 500 का लाभ हो रहा है, मतलब कितने पे लाभ, 500 का लाभ, और कितने पे लाभ, इस पे लाभ, एक सीपी था तो 8500, 00 कैंसिल, इंटू 100 करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 85, 5 से 100 बार चला जाएगा, 5 एक कम 5, 6 7 8 5 7 35, अब 17 से इसको भाग दे दीजिए, 17 का 17, 17 2 34, 17 3 57, 17 4 67, 17 5 85, 17 5 85, तो कितना बचा, 15/17, मतलब 5 सही, 15/17%, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो दिखा रहा था कि वो जो हानि में बेच रहा है, 10% हानि में बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा था, कम तौल रहा था, इसलिए उसको कितना, 5 सही, 15/17% क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता को 30% लाभ पाकर बेचता है, मतलब क्या वो फल बेच रहा है, 30% लाभ पाकर बेच रहा है, परंतु वह प्रत्येक दर्जन फल में 2 अतिरिक्त फल देता है, मतलब क्या कर रहा है वो, 12 के जगह पे 12 खरीदा, लेकिन वो दे कितना रहा है, 14, 2 एक्स्ट्रा, मतलब 12+2 हो जाएगा, तो 14 बेच रहा है, 12 खरीदा लेकिन 14 दे रहा है वो सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है, वास्तविक लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 10 रुपए, 10 रुपए में वो कितना खरीद रहा था, 12 खरीद रहा था, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि एक 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ मतलब 10 पे खरीदा, मतलब 30% कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 23% 10 का 30% 13 हो गया, 13 पे वो बेच कितना रहा है, 14। अब क्या करना है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे और 14 को 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीपी 140 रुपए, और ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, हासिल है 3, 12 1 12 3 56 15 हो जाएगा, 156। अब इसमें कितना डिफरेंस है देखिए, खरीदा उसने 140 में, बेचा कितना, 156 में, तो कितने में कितना लाभ हुआ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको लाभ हुआ 16 का, ठीक है। अब 16 का लाभ हुआ कितने में, 140 में, सीबी में लाभ होता है, तो 16 लाभ हुआ कितने में, 140 में, तो 100 में कितना लाभ हुआ वो निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 16 और 2 7 14, अब 7 से 80 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 1 7 1 7 7 3 होने पे 10, 3/7, मतलब 11 सही, 3/7% ही क्या है, प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है, ये लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि सड़ा गला हो, टूट फूट जाए, या फिर चोरी हो जाए, या फिर कोई खराब हो जाए कोई सामान, उस केस में क्या करना है। तो एक आप थोड़ा सा बेसिक समझिएगा, कोई एक जो दुकानदार है वो खरीदने गया सामान कहीं से, तो उन्होंने सामान खरीदा, जैसे केला खरीदने गया, केला खरीदा, एक दर्जन केला खरीदा, ठीक है, एक दर्जन में यदि 2 खरीद खराब हो गया, मान लीजिए 12 केला खरीदा किसी ने, उसमें से 2 खराब हो गया, 2 खराब हुआ तो उसको मिला कितना, 10, ठीक है, 12 खरीदा, एक दर्जन खरीदा, लेकिन उसमें से 2 खराब हो गया, मिला कितना, 10। इसी तरह मतलब 12 कुछ खरीदता, उसमें से 2 टूट गया, फिर 2 खो गया, फिर कोई चोरी कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से अच्छे से समझिएगा बेसिक क्या बोल रहा है कि 12 खरीदा लेकिन 2 केले सड़ जाने से क्या उसको कितना मिला, एक्चुअल में 10 मिला, मतलब जितने में भी खरीदा वो कितना खरीदा, एक तरह से 10 खरीदा, ये क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी कितना खरीदा है, मतलब सीपी में
कॉस्ट प्राइस में कितना खरीदेगा, 10 खरीदा, लेकिन वो यदि वही बेचेगा, ऐसा तो नहीं वो 10 ही बेचेगा, वो जो खरीदा है वो पूरा बेचेगा, ठीक है, मतलब वो बेचेगा कितना, 12। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी मतलब खराब वाला हो, टूटा फूटा वाला हो, उस केस में हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस में जो वस्तु मिलेगा वो हमेशा कम हमें लेना है, और जो सेलिंग प्राइस है उसमें जो वस्तु देंगे वो हमें बेचना है, वो क्या करेंगे, हम जितना खरीदे थे एक्चुअल में खराब सहित, ठीक है, वो पूरा बेचेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना सा आपको यदि दिमाग में रख लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सरोज ने 30 सेव खरीदे, ठीक है, 30 सेव खरीदे तो कितना, 5 खराब हो गया, मतलब 5 सड़ गए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ कॉस्ट प्राइस में कितना खरीदा उसने, किसी भी रेट पे कितना खरीदा, 30 खरीदा, तो 30 खरीदा मतलब हमें क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रुपए हो जाएगा और इधर वस्तु लिखना है आपको, आर्टिकल लिखना है, तो 30 खरीदा तो 5 खराब हो गया, मतलब उसने एक्चुअल में खरीदा कितना, 25 खरीदा, और जब बेचेगा दोस्तों वो बेचेगा कितना, 30 बेचेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों उसने उसे 20% लाभ पर बेच दिया, अब 20% लाभ पर बेच दिया मतलब क्या होगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10, मतलब 10 पे कितना उन्होंने, 10 रुपए में 25 से खरीदा, लेकिन उन्होंने 12 रुपए में क्या कर दिया उसको, 30 बेच दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 5 सड़ गया था, तो 5 को हमें क्या करना, जब हम सीपी निकालेंगे, जब वो खरीदेगा तो उसको, तो उसको तो एक्चुअल में 25 मिला, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या करेगा, कम मिलेगा लेकिन हमें बेचना कितना है, ज्यादा बेचना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो 30 यहाँ कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 दुनी 50, 80 लाख 5, 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, इस सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति निश्चित संतरे खरीदते, मतलब क्या बोल रहा है, वो कुछ संतरे खरीदता है और सभी को 30% लाभ पर बेचता है, यहाँ पे बोल रहा है 30% लाभ पर बेचता है, परंतु प्रत्येक दर्जन संतरे में एक संतरा खराब निकल जाता है, मतलब वही चीज है, कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाएगा, माना हमने 10 रुपए में खरीदा लेकिन एक दर्जन संतरे में कितना, एक खराब निकल रहा है, मतलब उसको मिला कितना एक्चुअल में, सही संतरे 11 मिला, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि उसने 11 खरीदा और जब बेचेगा लेकिन वो कितना बेचेगा, 12 बेचेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए में 11 खरीदा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30% लाभ पर बेचता है तो कितना हो जाएगा, 13, 10 का 30% 3 होता है तो 13 हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 हो गया, और 13 में बेचेगा कितना, 12 बेचेगा वो, ठीक है। अब यहां देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 33, हसील 3 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, यहां कितना हो जाएगा, 120, तो यहां कितना लाभ हो रहा है, 23 का लाभ हो रहा है। अब 23 का लाभ हो रहा है कितने में, 120 में, सीपी हमारा 120 है, 23 का लाभ 120 में, तो 100 में कितना, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, तो यहां से हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, हसीला 1, 5 दुनी 10 और 1 11 बटे 6, 6 कम 6 4 और 5 बचा 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 और 1 बचा 1 बटे 6 19 सही 1 बटे 6% क्या है, लाभ है, ठीक है, 19 सही 1/6% लाभ। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन है, क्या बोला, देखिए एक व्यक्ति निश्चित संख्या में कलम खरीदता है, ठीक है, परंतु उसमें से उसे 10% खराब कलम प्राप्त होता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे वही चल रहा है दोस्तों, जो सड़ा गला खराब मिल रहा है, डिफेक्टिव पीस मिल रहा है, या फिर मान लीजिए एक चोरी चला गया, एक खो गया, तो एक टूट गया सामान, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है आपको, ठीक है। अब देखिए वह सभी कलम को क्या करता है, 20% लाभ पर बेच देता है, तो हमने पहले तो सीपी मान लिया, सीपी कितना है, 10 रुपए, 10 रुपए में वो कितना खरीदना था, 10 खरीदना था, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया कितना खरीदा, तो हमने माना 10 रुपए में 10 खरीदना था, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसे 10% खराब मिलता है, तो यदि 10 रुपए 10 खरीदना है तो 10% खराब मतलब कितना, 9, एक खराब निकल गया, 10 में से एक खराब मिला निकल गया, तो उसने कितना खरीदा, 9 खरीदा, 9 सही मिला, तो वो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस में वो क्या करता है, 20% लाभ, मतलब 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2, तो 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 रुपए में वो कितना बेचेगा, 10 बेचेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा या फिर लॉस आ जाएगा, तो 10 दहम 100 और 9 12 छंग 72, 12 से 84, 12 8 96, 12 9 108,
मतलब यहाँ पे देखे तो कितना 8 रुपए का लाभ हो रहा है, 8 रुपए का लाभ हो रहा है कितने में, 100 में, 8 रुपए का लाभ इधर हो रहा है 100 में, तो 100 में कितना, तो सीधे सीधे दिख रहा है 8% होगा क्योंकि 100 के टर्म में आ गया, तो कितना हो गया हमारा यहाँ से 8%। 8% क्या है दोस्तों, लाभ है यहाँ पे, 8% जो है लाभ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो दे आप लोगों को पसंद आया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।